ये हमारे दही बड़े हैं, इसमें ड्राई फ्रूट होती है, अंदर भी फिलिंग होती है काजू किशमिश की, और ऊपर बादाम होता है। जी जी, अब इसको हम एंटिक बना हुआ है ये। हाँ जी, ये देखिए, ये हमारा दही बड़ा है। तो ये देख लीजिए गाइस, ये लीजिए, हमने इसको फिल करा, बूंदी डाली, अनार डाला। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग, और रौनक चाट भंडार के पार्ट टू में आप लोग का फिर से वेलकम है। तो हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई करी थी भैया की चाट, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है, और खाकर वाकई मज़ा आया। जो मतलब क्वालिटी और क्वांटिटी भैया के यहाँ मिल रही है वो काफ़ी बेस्ट है, गुमटी में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो एक बार खाने ज़रूर आइएगा, और अभी तक अगर आप लोगों ने वाला वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, देख लीजिएगा लोग। तो पार्ट टू में हम लोग भैया की सॉफ्टी ट्राई करने जा रहे हैं, और भैया के दही बड़े जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। सो गाइस, चलिए देख लेते हैं शॉप की लोकेशन क्या है। तो जो शॉप का नाम है वो है रौनक चाट भंडार, और ये गुमटी पर है। तो ये बनी हुई LIC बिल्डिंग और बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इसके जस्ट साइड में ही आपको ये शॉप मिलेगी। सो गाइस, चलिए अपनी सॉफ्टी रेडी होने जा रही है, देखते हैं कैसे ये मेकिंग आज इसकी। इसमें मटर की फिलिंग होती है, इसमें चटनी वगैरह मिलेगी, मसाले वो। बहुत अच्छा आइटम है, ठंडा है, मतलब खाने में बहुत टेस्टी है। ये हो गई हरी चटनी, और ये हो गई मीठी चटनी। तो इसको मिक्स कर रहे हैं, ये लीजिए मिक्स कर। सॉफ्टी भी है, मिक्स करके भरते होंगे सारा मटेरियल। इसे मिक्स कर दी, और ये सर हमारी सॉफ्टी। सॉफ्टी है भैया, ये भी 30 रुपीज़ की थी। ये मैदे की होती है, ये मैदे की बनी है। हाँ जी, इसको कट करके खाइए। आज फर्स्ट टाइम हम लोग भी ट्राई करने जा रहे हैं। ये लीजिए, हमने इसको फिल कर रहा, तो फिलिंग हो गई। इसमें अब 2 पीस धनिया का खा देते हैं। अब इस पर जो है हल्का सा मीठी चटनी और दही, दही बड़े का बढ़िया। फिर इसके लिए इसमें थोड़ा सा लच्छा डाला, थोड़ी सी बूंदी डाली, अनार डाला, 2 पत्ता, ये रेडी हो गई हमारी सॉफ्टी। सो गाइस, देख के जब इतना मज़ा आ रहा है तो खाने में कितना मज़ा आएगा। सॉफ्टी फिलहाल अभी तक मैंने भी एक भी बार ट्राई नहीं करी हुई है, आज फर्स्ट टाइम हम भी ट्राई करने जा रहे हैं, और नैपकिन वगैरह लगा के दी जा रही है। तो चलिए खाते हैं और इसका टेस्ट शेयर करते हैं। देख के तो बहुत मज़ा आई, और फिलहाल जैसे कि मटर वगैरह पड़ी हुई है इसमें, तो भैया कहाँ से सीख के आए थे बनाना आप? बस सर, अपने आप से मिली। अपने आप से सीख गए आप चाट बनाते बनाते? जी जी जी। तो चलिए हम भी मतलब कुछ अलग मिला है तो खाते हैं और इसका टेस्ट शेयर करते हैं, क्योंकि देख के काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही है, और चाट आपकी बहुत अच्छी थी, खा के मज़ा आया जी जी। और आपको उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ थैंक यू। तो गाइस, फाइनली आ चुकी है अपनी सॉफ्टी रेडी होकर, तो चलिए खाते हैं और उसका टेस्ट शेयर करते हैं। सिर्फ टिक्की नहीं पड़ी हुई है, सारा मटेरियल चाट का पड़ा हुआ है। भैया ये बताइए, ये सॉफ्टी साथ में खाएं या जो अंदर की फिलिंग है वो अलग खाएँ? चम्मच के ये सॉफ्टी साथ में काट के चलिए। अच्छा, मतलब स्पून से फिलिंग खाएँ और सॉफ्टी साथ में लें? तो पूछना पड़ा मुझे खाने के लिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी खा रहा हूँ। तो ये अंदर की फीलिंग है, पहले इसे खाते हैं और सॉफ्टी के साथ भी खाते हैं थोड़ा। दम है टेस्ट में, और जैसा कि हरी आलू भी इसमें पड़ती है, तो हरी आलू जो भैया की काफ़ी टेस्टी बनी हुई है, और सॉफ्टी के साथ भी एक पीस अभी ट्राई करते हैं हम लोग। तो जैसा कि इसमें टिक्की नहीं थी, सिर्फ भैया की मटर है, और उसमें जो चटनी वगैरह डाली गई थी वो काफ़ी अच्छी है, और जो दही है उससे मीठापन वाला टेस्ट आ रहा है, और मीठी चटनी इमली की है तो वो इमली का टेस्ट दे रही है, और खट्टी वाली जैसे खटाई की बनाते हैं, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट है। चलिए सॉफ्टी के साथ एक बार ट्राई करते हैं। कुछ नया लगा, तो सॉफ्टी के साथ खाने में ज़्यादा मज़ा आ रही है, क्योंकि ऊपर से जो उसकी लेयर है वो क्रिस्पी है और मैदे की बनी हुई है,
और अनार वगैरह पड़े हुए हैं जैसे चाट में डालते हैं भैया, तो कुछ नया मिला और कुछ स्पेशल है खाने में, मज़ा आ गई। तो ठीक है, बहुत ही अच्छी सॉफ्टी बनाई भैया ने, तो भैया के लिए चाट के लिए थैंक यू कर चुके हैं और इसके लिए भैया आपको थैंक यू, क्योंकि खाकर मज़ा आ गई। तो चलिए फाइनली अपनी सॉफ्टी ख़त्म करते हैं और आप भी आइएगा ट्राई करने, हर एक चीज़ आइटम जो इनका है भैया का काफ़ी अच्छा है और टेस्ट वाकई दमदार है। तो ठीक है, हम लोग सॉफ्टी फाइनली ख़त्म कर ली है, अब भैया के दही बड़े ट्राई करते हैं और उसका टेस्ट शेयर करते हैं। सो गाइस चलिए अपने दही बड़े रेडी होने जा रहे हैं, वो भी खा के टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है भैया का। हाँ जी, ये देखिए सर दही है और ये हमारे दही बड़े हैं, इसमें ड्राई फ्रूट होती है, अंदर भी फिलिंग होती है काजू किशमिश की और ऊपर बादाम होता है। जी जी, अब इसको हम एंटीक बना हुआ है ये। ये देखिए, ये हमारा दही बड़ा, तो ये देख लीजिए गाइस, ऊपर से बादाम लगे हुए हैं भैया और अंदर अंदर काजू किशमिश है, तो फिलहाल तो मैंने भी नहीं देखे हैं। तो चलिए प्लेटिंग करिए आप और फिर हम भी खाते हैं और इसका टेस्ट शेयर करते हैं। ये लीजिए, हमने पहले इसको निचोड़ा, ये पानी में रहते हैं, फिर इसके बाद इसको हमने डिप कर दिया दही में, ये अब हमने इसको बाहर निकाला, फिर इस पर जो है हमने एक पापड़ी लगाई, छोटी पापड़ी होती है सर, और इसमें फिर पड़ेंगे दो, तो मतलब हर आइटम में आपकी हरी आलू चलती है, हरी आलू चलती है, फिर टेस्ट का इसका जो है बहुत इफ़ेक्ट होता है, इसका बढ़िया पड़ता है। ये इसमें मसाले हो गए, अब इसमें पड़ी दही चटनी और ये हमने इसमें डाला दही, अब इसमें पड़ेगी बूंदी, लच्छा और ये हमारे अनार, ये हमारा दही बड़ा रेडी हो गया सर। तो भाई साहब कुछ आइटम है जो भैया के हर एक चीज़ में पड़ते हैं, जैसा कि भैया की हरी आलू हो गई और बूंदी हो गई और लच्छा हो गया, ये तीन चार चीज़ें हैं जो हर एक मतलब जितने भी आइटम है सब में है, और जो हरी आलू का टेस्ट है वो वाकई काफ़ी अच्छा है। सिंगल हरी आलू भैया देते हैं? हाँ जी जी सर। तो चलिए आप सिंगल अभी अगर ट्राई करना चाहें तो वो भी ट्राई करिए। तो फाइनली रेडी होके आ गई है, प्लेटिंग देख लीजिए क्या गजब की है, तो चलिए खाते हैं और उसका टेस्ट शेयर करते हैं आपके साथ। सो गाइस चलिए सॉफ्टी खा ली थी और अपने दही बड़े भी रेडी होके आ गए हैं, फिलहाल दही बड़े तो मिलते हैं लेकिन जो मटेरियल है वो फिर से इसमें पड़ा हुआ है और चटनी वगैरह, तो ड्राई फ्रूट्स के दही बड़े हैं, चलिए खाते हैं और साथ में मीठी चटनी, खट्टी चटनी और दही और आलू के लच्छे, अनार और बूंदी, हर एक चीज़ पड़ी हुई है और साथ में पापड़ी भी है। तो अंदर ही हल्का हल्का खट्टापन आ रहा है इसमें, तो भैया अंदर क्या डालते हैं इसमें आप? इसमें किशमिश होती है और बाकी चटनियाँ वगैरह होती हैं, बाकी सब दही बड़े। तो जैसे कि दही बड़े में जो टेस्ट होता है दही का ऊपर से आता है, तो ऊपर जो भैया की दही है वो मीठी मीठी है और जो इनका जो है मतलब दही बड़ा वो अंदर से भी हल्का हल्का खट्टापन आ रहा है किशमिश वगैरह से, और जो किशमिश वगैरह ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए हैं और ऊपर से बादाम है, फिलहाल कहीं मिलता हो शायद ही, मुझे नहीं पता कि ड्राई मतलब दही बड़े के ऊपर से बादाम और अंदर ड्राई फ्रूट्स पड़े हों। और साथ में हरी आलू भी दी गई थी। भाई साहब रिकमेंड करना चाहता हूँ आपसे, आके ट्राई करिएगा, तीनों आइटम मैंने खाए हैं और फर्स्ट जैसे मैंने खाई थी चाट भैया की और सेकंड सॉफ्टी और थर्ड हो गए दही बड़े, तो तीनों मतलब किसी भी चीज़ में कोई कमी नहीं है, अगर आप खाएंगे तो वाकई कमेंट करके बताएंगे कि हाँ कुछ है क्वालिटी मतलब है भैया के यहाँ, जैसे कि रिव्यू भी लिया था हम लोगों ने तो भैया ने बोला था इनका कोई भी आइटम ट्राई कर लीजिए क्वालिटी बहुत बेस्ट है, तो जो दही बड़ा हमने ट्राई किया है जो उसका खट्टा बना रहा है अंदर से वो काफ़ी अच्छा है और ऊपर से जो दही का मीठापन है वो भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है और साथ में पापड़ी भी रखी गई थी इसमें, तो प्लेटिंग वगैरह भी काफ़ी अच्छी थी जैसे चाट वगैरह की होती है, तो खाकर वाकई काफ़ी मज़ा आ गया मुझे तो। तो अब फ़िलहाल आना पड़ेगा यहाँ महीने में एक दो बार, जब इधर से राउंड मारेंगे तो भैया के आइटम ट्राई करके ज़रूर जाएंगे और दही बड़ा तो फाइनली मैं ट्राई करूँगा, पक्का है, डन है मेरा। तो ठीक है अपना दही बड़ा ख़त्म कर लेते हैं, खा के बहुत ही मज़ा आ गई मुझे तो, और नैपकिन वगैरह की व्यवस्था है फुल, कहीं कहीं पर मिलती है किसी किसी शॉप पर और किसी शॉप पर नहीं मिलती है,
तो दही बड़े फाइनली ख़त्म कर लिए हैं और नैपकिन मिल गई है, तो हाथ पोछ लेते हैं पहले और उसके बाद वीडियो का एंड करते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया है तो नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करना इसलिए ना भूलिएगा क्योंकि हर एक नए अड्डे आपके पास आते रहेंगे, कुछ पुराने और कुछ नए, लेकिन फाइनली मैं अपने मतलब पर्सनली आपसे रिकमेंड करना चाहता हूँ, शॉप पर आइएगा और खा के टेस्ट ज़रूर लीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलेंगे फिर कहीं नेक्स्ट ब्लॉग में।